अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खोए की रेसिपी जो कि मैंने मिल्क पाउडर से बनाया हुआ है। तो खोया बनाने का जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसमें हमें काफ़ी वक्त लग जाता है दूध को बॉयल करने में, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं आपको मिल्क पाउडर से मावा बनाना सिखाऊंगी जो कि आप बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मावा आज भी नहीं मिलता, तो वो लोग भी घर पे आसानी से मिल्क पाउडर से मावा बना सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये मिल्क पाउडर से मावा यानी कि खोया मैंने कैसे बनाया और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मावा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक कप मिल्क पाउडर, हाफ कप दूध, ये बॉईल किया हुआ दूध है, और दो टेबलस्पून घी। घी नहीं है तो आप बटर भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए मावा बनाने के लिए। तो फिर चलिए मावा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। दूध को हम घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। तो देखिए अब दूध में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है, तो हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो एक साथ हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो गैस की फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है लो फ्लेम पर। तो देखिए मिल्क पाउडर को हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमें लगातार इसे भूनना है और इसे भूनते वक्त हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें से घी नज़र नहीं आता। तो देखिए इसे कुछ देर भूनने के बाद इसमें से घी नज़र आने लगा है और जो मावा है वो कढ़ाई से अलग हो चुका है। तो बस इसे हम कुछ देर और भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मावा जो है हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से। तो खोए को मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से, इसे अब हम रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मावा जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार बना है। तो फ्रेंड्स, घर पर मावा बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।